कोलकाता पुलिस की जासूसों ने बुधवार को एक 42 वर्षीय महिला को एक इंजीनियरिंग फर्म के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उसके ड्राइवर की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि यह महिला उस घर में पूर्व घरेलू सहायिका थी जिस घर में हत्याएं हुई थी। फर्म के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चाकी और उसकी ड्राइवर राबिन मंडल के शव बीते रविवार रात दक्षिण कोलकाता के पौष गरियाहाट इलाके में कार्यपालिका के पुश्तैनी घर की अलग अलग मंजिलों पर मिले। दोनों के शवों की गर्दन, पैर और पीठ पर कई वार के निशान पाए गए। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि 42 वर्षीय महिला को बुधवार सुबह यहाँ से करीब 52 किलोमीटर दूर डायमंड हार्बर में हिरासत में लिया गया। उसके बाद शहर में कोलकाता पुलिस के मुख्यालय लाल बाजार लाया गया, जहां उससे घंटों पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा है कि पूछताछ के दौरान महिला ने अपराध को अंजाम देने की साजिश का हिस्सा होने की बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा है कि दो अन्य व्यक्तियों को भी दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर से लाया गया था और इस हत्या मामले में उसकी संदिग्ध संलिप्तता के लिए उससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा है कि यह महिला एक पूर्व घरेलू सहायिका है जो चाकी की मां की देखभाल करती थी। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि उसे गुरुवार को अदालत में पेश किया जाएगा। अधिकारी ने कहा है कि पुलिस के पास यह मानने का कारण है कि उसके दो बेटे की कथित रूप से दोहरे हत्याकांड में शामिल है। उन्होंने कहा है कि वे फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार महिला का मकसद बताते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा है कि चाकी ने अपना घर बेचने का विज्ञापन दिया था। इस मामले में महिला के बड़े बेटे ने उसे संपर्क किया और उसे खरीदने के लिए संपर्क किया। वह घर देखने भी आया था। महिला ने अपने बेटे के साथ साजिश रची और उसके अनुसार चाकी से एक खरीदार के रूप में संपर्क किया। इसी दौरान उन्होंने अपनी योजना को अंजाम देने की योजना बनाई है। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि अपराध में अन्य लोगों के शामिल होने की ओर इशारा करते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा, हम इस हत्या मामले की जाँच तभी पूरी कर पाएंगे जब अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। কথাটা বলতো না।